पूरी कर वह पूरी कर देता है जो मांगोगे वह आता कर देगा सुरतल कौसर मैं आपको एक मरतब पढ़ करके सुना दे रहा हूँ आप इस तरह पढ़े इन्ना कल कौसर। इन्ना जो शख्स रोजाना पढ़ लेगा उसे वह कुछ मिल जाएगा जो सारी उम्र न मिल सका हो या वह दू या वह दू इसका विरद आप ज़रूर करें इन तबारक वाली आपको इससे बहुत ही फ़ायदा होगा लेकिन ये आपको फ़जर की नमाज के बाद अपने जगह पर बैठे बैठे ये विरद करनी है कम से कम पाँच सौ इक्कीस मरतब ये व्रिरद करे इनशा तबारक वाली आपको इससे बहुत ही फ़ायदा होगा बेवफा महबूब को इश्क में दीवाना करने का इंतहाई ताकतवर छोटा सा अमल वहुवल अज़ीज़ुल अलीम वहुवल अज़ीज़ुल अलीम बेवफा महबूब यानी आपसे जो मोहब्बत करती थी वो बेवफा हो गई इश्क में दीवाना करने का कामल बेानतहाई ताकतवर छोटा सा अमल है आप इसको ज़रूर करें इसका विरत करें और उसका तस्वुर अपने ख्याल में रखें अपने दिल दिमाग में रखें इन शबारक वाली व बेवफा महबूब जो है वह पागल हो जाएगी नौकरी की बहाली अगर कोई शख्स नौकरी से मअतल हो गया हो और किसी सूरत में बहाल न होता हो तो उसे चाहिए कि इकतालीस दिन तक इस या वाली को रोज़ाना इकतीस सौ पच्चीस यानी तीन हज़ार एक सौ पच्चीस मरतबा बाद नमाज से फजर या ईशां पढ़े अगर आप चाहे तो ऐशा की नमाज के बाद तीन हज़ार एक सौ पच्चीस मरतब पढ़ ले या फजर की नमाज के बाद पढ़ ले आपके ऊपर ये डिवाइड है अब जब भी पढ़े आपकी मर्जी लेकिन नमाज के बाद ही पढ़नी है फजर या तो ऐशा किसी के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करने के लिए मोहब्बत में पागल करने का वजीफा वमा और अबू अम्मा तमून वमा अबू का बेफिलन अमा तम्लून इसका गिरद आप जरूर बिल जरूर करें इनशा तबारक वाली किसी के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करने के लिए बहुत ही आजमाया हुआ वजाइफ है इसको आप जरूर करें इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा कारोबारी राज नमाज फ़जर के बाद या रहमानु दो सौ अंठानवे बार पढ़ने से कारोबार में तरक्की होगी और मुश्किल दूर हो जाएगी और ठप हो गया है नहीं चल रहा है तो आपको चाहिए कि नमाज फजर के बाद यानी फजर के नमाज के बाद या रहमानु या रहमानु दो सौ अंठानवे बार पढ़ने से इन शबारक कारोबार में तरक्की होगी किसी किसी की मोहब्बत हासिल करने के लिए का कामल सिर्फ़ तीन बार पढ़ कर दम करे आपकी मोहब्बत में अंधा हो जाएगा खाउंद के लिए भी कर सकते हैं अगर आपके खाउंद आपसे मोहब्बत नहीं करता है वो बिखरा बिखरा सा रहता है कहीं और देखता है तो आपको चाहिए कि सिर्फ तीन बार पढ़ करके दम कर दे उसके ऊपर दम कर दे आपका काम हो जाएगा ये अमल करे किसी भी मकसद के हसूल के लिए अव्वल व आखिर तीन बार दुरुशरीफ और हसबून अल्लाह व नमल वकील नमल मौला व नरमल नसीर तीन सौ बार या पाँच सौ बार सुबह या नमाज़ नमाजा के बाद पढ़े फिर अपने मकसद के लिए दुआ करें इनशा तबारक व तौर आपके मकसद जरूर बिल जरूर पूरा होगा अगर आप इस अमल को करते हैं तो इन व वाली आपको इस अमल से बहुत ही फ़ायदा होगा तीन सौ बार या पाँच सौ बार पढ़े खाली कमरे में सूरह फातिहा का ये वजीफा करें रिस्क की बारिश ना हो तो फिर कहना बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इयाक नअबुदु व इयाक नस्ताईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल्लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल महदूबी अलैहिम वलदाललीन दुश्मन जितना भी चालाक हो अगर ये अमल कर लिया जाए तो उसका कोई भी फरेब कामयाब नहीं होगा हामीम ला सर इस अमल को आप करते हैं तो आपके जो दुश्मन है वो कितना ही चलाक क्यों ना हो आपके ऊपर उसका कोई चीज़ असर नहीं करेगा उसका टोना जादू जो भी है वो असर आपके ऊपर नहीं करेगा अगर आप इसी तरह के वजाइफ चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर बिल जरूर, जरूर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन के बटन दबा दे ताकि जो भी वीडियो आवे सबसे पहले आप तक पहुँचे और अपने साथी को अपने दोस्त दोस्तों को शेयर कर दे ताकि वो भाई भी इससे अपना फ़ायदा हासिल कर ले तब तक के लिए खुदा हाफिज आप